Shamim Mohammed. The 62-year-old has been sick since कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में 5 महत्वपूर्ण बातें। कोविड 19 ने दुनिया को काफी नुकसान पहुंचाया है, ये लोगों के लिए किसी श्राप से कम नहीं है। हर दिन, हर जगह, हर समय बस एक ही शब्द सुनाई दे रहा है, कोरोना कोरोना कोरोना। कोरोना वायरस की वजह से न जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन जब भी हम ये सोचते हैं कि अब ये कोरोना काल हमारी जिंदगी से जाने लगा है, तभी ये वापस एक नए रूप में दुनिया के सामने आ जाता है। कोरोना ने अलग अलग रूप बदलकर बेशकीमती जिंदगियां निगली हैं। इन दिनों कोरोना एक नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के रूप में आया है और इसकी चर्चा है। इससे पहले भी इस वायरस के कई वेरिएंट देखने को मिले, लेकिन ये वेरिएंट कितना खतरनाक है इस बात को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए इस वीडियो में हम आपको इस वेरिएंट के बारे में 5 जरूरी बातें बताएंगे जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। लेकिन दोस्तों, कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में 5 महत्वपूर्ण बातें जानने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद दिख रहे बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हमारी सभी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। चलिए अब कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में 5 महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। नंबर 5, कोरोना के नए वेरिएंट यानी कि B11529 को ओमिक्रॉन का नाम दिया गया। इस वेरिएंट की पहचान साउथ अफ्रीका में की गई। वैसे साउथ अफ्रीका में मिलने के बाद ये वायरस अब तक कई दूसरे देशों में मिल चुका है। साउथ अफ्रीका के बाद ये इजराइल, बोस्वाना और हांगकांग के साथ साथ कई दूसरे देशों में भी इसके केस सामने आ चुके हैं। चिंता की बात यह है कि भारत में इस वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। भारत में ओमिक्रॉन का पहला मामला कर्नाटक में मिला। नंबर 4, कोरोना की पहली दो लहर में लाखों लोग प्रभावित हुए, इनमें काफी लोगों की मौत भी हुई। जो खुशकिस्मत लोग थे उनकी जान तो बच गई, मगर उनके लिए नया वेरिएंट कुछ ज्यादा ही टेंशन लेकर आया है। दरअसल WHO के मुताबिक शुरुआती जांच से पता चला है कि जो लोग पहले ही कोरोना वायरस के किसी भी वेरिएंट से बीमार हो चुके हैं उनमें ओमिक्रॉन से इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा हो सकता है। वहीं पहले कोरोना से ठीक हो चुके लोगों के आसानी से ओमिक्रॉन से इन्फेक्टेड होने का भी खतरा है। ऐसे में अगर आप पहले ही कोरोना संक्रमित हो चुके हैं तो आपको बहुत ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है। नंबर 3, जब से ओमिक्रॉन आया है एक बात बड़े स्तर पर फैली है कि ये वेरिएंट पहले से कई गुना ज्यादा तेजी से फैल रहा है, लेकिन इस बारे में अब तक कोई ठोस तथ्य मौजूद नहीं है। WHO का कहना है कि अभी तक ये क्लियर नहीं है कि ओमिक्रॉन पहले के वेरिएंट डेल्टा अल्फा से ज्यादा संक्रामक है या नहीं, यानी ये क्लियर कहा ही नहीं जा सकता कि ये लोगों को तेजी से संक्रमित करेगा और इस बात को नकारा भी नहीं जा सकता। वैसे एक बात और बताई जा रही है कि इस वेरिएंट की पहचान सामान्य RT-PCR जांच द्वारा नहीं की जा सकती, मगर अब हुए रिसर्च से पता चला है कि एक अच्छी बात ये है कि RT-PCR टेस्ट के जरिए इस स्ट्रेन को पहचाना जा सकता है। नंबर 2, पहले कुछ वेरिएंट के बाद कोरोना का वैक्सीन विकसित कर लिया गया है। दुनिया भर में करोड़ों लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा भी ली, मगर सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि दुनिया भर के एक्सपर्ट के अनुसार इस नए वेरिएंट पर शायद वर्तमान समय में लगाया जा रहा वैक्सीन काम नहीं करेगा। हालांकि इस बारे में अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं। WHO भी अपनी टेक्नोलॉजी के साथ ही समझने की कोशिश कर रहा है कि इस वेरिएंट ओमिक्रॉन का वैक्सीन पर क्या असर पड़ता है, यानी अभी तक ये भी पूरी तरह से क्लियर नहीं कहा जा सकता कि आपने जो वैक्सीन लगाई है वो इस स्ट्रेन के खिलाफ आपको प्रोटेक्ट करेगी भी या नहीं। नंबर 1, पहले दो वेरिएंट ने कितनी तबाही मचाई ये बताने की जरूरत नहीं है। लोग इस वायरस से संक्रमित होने के बाद तड़प तड़प कर मरते देखे गए। एक्सपर्ट कुछ ऐसे ही आशंका इस नए वेरिएंट को लेकर भी जता रहे हैं। लोगों का मानना है कि ये वेरिएंट पहले से ज्यादा खतरनाक होगा और लोग बहुत ही गंभीर तरीके से बीमार पड़ेंगे, लेकिन एक सच्चाई ये है कि अब भी इस वेरिएंट की गंभीरता को समझना बाकी है। अभी तक ये भी क्लियर नहीं है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से बीमार इंसान की हालत कितनी सीरियस हो सकती है। अभी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है जो ये क्लियर कर सके कि ओमिक्रॉन के सिम्टम्स कोरोना वायरस के दूसरे वेरिएंट से अलग हैं या उससे मिलते जुलते। अभी इस पर और रिसर्च की जरूरत है। वैसे शुरुआती डेटा के मुताबिक साउथ अफ्रीका के हॉस्पिटल में पेशेंट्स की संख्या बढ़ी है, लेकिन ये कोरोना इन्फेक्शन के कारण पेशेंट की कुल संख्या में बढ़ोतरी का कारण हो सकती है। पॉसिबल है कि साउथ अफ्रीका में पेशेंट्स के बढ़ते नंबर के पीछे ओमिक्रॉन वेरिएंट ना हो, क्योंकि साउथ अफ्रीका के यूथ में मिल रहे इन्फेक्शन के मामलों में बहुत हल्के सिम्टम्स देखे जा रहे हैं।
वैसे ओमिक्रॉन इन्फेक्शन की गंभीरता को समझने के लिए अभी कुछ हफ्ते और लग सकते हैं। ये हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें जिनके बारे में लोगों को जानना बहुत जरूरी है। आपसे निवेदन है कि अफवाहों पर ध्यान न देते हुए विश्वसनीय स्रोत पर ही भरोसा करें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, कोरोना के नियमों का पालन करें, खुद भी सुरक्षित रहें और अपनों को भी सुरक्षित रखने में मदद करें। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करते हुए शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इन महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में जान सकें। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि हम जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए और आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दो और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।